रेडी 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 एकदम रेडी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। जैसे कि अगर आपको टीएमसी प्रॉपर्टी लेनी हो महारेरा अप्रूव्ड फ्रॉम उमरा स्टेशन टू शिलफाटा, तो आपको पेमेंट करना होगा 1% पेमेंट प्लान पे आप फ्लैट बाय कर सकते हो, जिसमें आपका डाउन पेमेंट एक होता है। डाउन पेमेंट देने के बाद एवरी मंथ का आप 1% पेमेंट प्लान पे फ्लैट खरीद सकते हो। हमारे जवान ने जैसे आपको बताया कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर संपर्क ना हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमारे मेंबर टीम मेंबर से या हमारे मैनेजर से मिलिए, बात करिए, इंशाल्लाह इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। और जो आमदार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो बोले मित्तल ग्राउंड दे दो ना। का घर जो कॉर्पोरेशन ने देना चाहिए था वो नहीं दिया है। वहाँ से जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए आना जाना पड़ता है वो बहुत भारी पड़ता है। 2010 से पहले जो जगह पे रहता है कोई भी अथॉरिटी, महानगर पालिका हो, सरकार हो, आमदार है जितेंद्र रावत साहब, उनको आप रिक्वेस्ट करो 120 रहवासी उनके लिए ये जगह छोड़ दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर या तथागत गौतम बुद्ध कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई आपसी झगड़ा हो, कि हमारे अमदर को तो कुछ दिमाग ही नहीं, वो जो दिमाग देता है ना वो गोसा भी दिमाग देता है। आज यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, यहाँ समाज मंदिर में अगर कुछ प्रोग्राम होएगा तो आपसी तनाव होने का कोई भी बाबा साहब का देश है 15 लाख में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को मत गिनिए आप, आपको देना है तो 1500 करोड़ दीजिए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के नूरानी महल इमारत जहाँ थी और यहीं पर मौजूद है, और आज आपको बताएंगे कि यहाँ जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सभागृह जो है बनाने की बात कही जा रही थी, उसके ठीक बाजू में ही यहाँ पर मस्जिद है। और आज इस मस्जिद में जुमे की नमाज खत्म होने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो है राजन दादा, रीदा रशीद, ये सभी टेनेंट से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो बौद्ध समाज के लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके तरफ से भी जो बयान आया था हमने आपको सुनाया था। और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है राजन दादा और रीदा रशीद की भी एंट्री हो गई है, जो यहाँ के 120 टेनेंट हैं उनसे मुलाकात की उन लोगों ने, और उनसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से भी बातचीत की है। दादा, आज आप यहाँ पर आए हैं सभागृह जहाँ पर बनाने की बात चल रही है और यहाँ पर 120 टेनेंट का मामला भी चल रहा है, आप यहाँ पर पहुँचे अभी नमाज के बाद जो है लोगों से मुलाकात किए, क्या बताएगा मामले? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज यहाँ पर ये नूरानी बिल्डिंग मेरे ख्याल से 81-82 में बनाई गई थी और इसमें 120 हमारे उमरा के रहवासी रहते, तो आज 2018 में शायद ये बिल्डिंग को गिराया गया था धोखादायक के बाद, 2016 में ये बिल्डिंग गिराई गई थी महानगर पालिका के माध्यम से। और उस वक्त इन लोग को वहाँ दोस्ती में मानपाड़ा और वर्तकनगर दो जगह रिहैबिलिट किया था, लेकिन उनको एक जो पक्का घर जो कॉर्पोरेशन ने देना चाहिए था वो नहीं दिया है। और ये जो जगह है मैं समझता हूँ कि ये भाड़े वहाँ पर लोग भाड़ा भर रहे हैं, अभी भी भाड़ा भर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए आना जाना पड़ता है वो बहुत भारी पड़ता है। और ये जो जगह है ये टोटल जो एक सर्वे नंबर है इसमें जो 98 गुंठा जो है वो कॉर्पोरेशन को एक देखभाल करने के हिसाब से दिया, कि टोटल जो जगह है ये 4 एकड़ जगह है, ये आप पुलिस स्टेशन से लेके ये बाबाजी पाटिल स्कूल है ना वहाँ तक का ये 4 एकड़ जगह है। अभी ये 98 जो गुंठा जगह है मेरे ख्याल से वो स्मशान भूमि या फिर फायर स्टेशन या पानी की टाकी, इसमें इसमें कलेक्टर ने उनको जो ये किया था तो उसमें वो सीमित रही होगी। और ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग वाले हैं, इनके पास 99 साल का एक उनके पास ये भी है लीज एग्रीमेंट है, और वो लीज एग्रीमेंट के माध्यम से वो ये जगह जो है ये यहाँ के जो बिल्डिंग वाले हैं, एक मैं समझता हूँ कि 2010 से पहले एक ऐसा महाराष्ट्र सरकार का एक जीआर था कि 2010 से पहले जो जगह पे रहता है उसको कोई भी अथॉरिटी, महानगर पालिका हो, सरकार हो, तो उनको वो जगह पर उनका हक जो रहता है वो आबादित रहता है, हक तो मैं समझता हूँ कायम रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे बिल्डिंग वाले इनका जो हक है वो यहाँ पर आबादित रहेगा और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, बाबा साहब के अनुयायी है,
मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके जो आमदार है जितेंद्र आवाड़ साहब, उनको आप रिक्वेस्ट करो। जितेंद्र आवाड़ आमदार साहब है, उनको कहीं भी उनके जो बिल्डर सब दोस्त यार है या उनके कहीं भी ऐसा जगह किधर रिजर्वेशन रहेगी उसमें अगर कॉरपोरेशन में हमारे कुछ लड़ाई करना पड़े तो हम लड़ाई करेंगे, ऐसा कोई जगह हो तो वो जगह इनको ये करके बाबा साहब भवन, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा होना चाहिए, छोटे मोटे जगह पे बाबा साहेब का अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो समाज मंदिर है वो यहाँ पर इतने से छोटे विवादित जगह पे नहीं हो, मैं ये चाहता हूँ। और सभी बाबा साहेब अम्बेडकर के जो अनुयायी उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये हमारे जो मुमरा के गरीब रहवासी 120 रहवासी उनके लिए ये जगह छोड़ दीजिए और आप कहीं भी दूसरी जगह पे, मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो 2009 से आमदार यहाँ पर आए हैं उन्होंने ऐसी कितनी जगह पे समझता हूँ कि यहाँ पर जो आगे फायर स्टेशन के आगे जगह है वहाँ पर भी बाबा साहब अंबेडकर का एक स्मारक बनाने के हिसाब से 2013 में उसका कुछ उद्घाटन किया था, अभी वो भी पूरा नहीं हो सका। और आपको बताता हूँ कि शंकर मंदिर में ये है, वहाँ पर भी एक बाबा साहेब अम्बेडकर भवन का एक काम चल रहा है, समाज मंदिर का काम चल रहा है, अभी तक वो उसको भी 50 लाख की निधि दी है लेकिन वो 6 कॉलम के आगे उसका कुछ काम बढ़ा ही नहीं। तो ये सब ऐसे जो काम है, ये अगर किसी को भिड़ाने के काम है, अगर कोई दो समाज में अगर तनाव निर्माण करने का काम है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ये प्लीज़ मुमरा के इतिहास में कभी हुआ नहीं तो और ये करो मत। और एक बात बताता हूँ, ये बाजू में आप मस्जिद देख रहे, यहाँ पर जुम्मे में नमाज़ पढ़ने को अभी आपने देखा होगा कि कितनी तकलीफ होती है, आज हमारे सब जो भाई नमाज़ पढ़ते वो कितना एकदम सिकुड़ के उसमें दो जमात पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फिर बाहर भी ये करना पड़ता है। भविष्य में इधर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन बनेगा और कुछ अनहोनी होने को तो कुछ भी होता है, अगर अनहोनी कुछ हो गई तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मेरी ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी है या उनके जो समर्थक है या उनके जो चाहने वाले, हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर या तथागत गौतम बुद्ध कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई आपसी झगड़ा हो। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जगह का प्लीज़ ये छोड़ दीजिए, मैं यही इतना ही कहना चाहूँगा। राजन दादा, जो थाना महानगर पालिका ने ये जगह अलॉट की है तो अलर्ट करने से पहले भी तो पता होना चाहिए ना यहाँ पे 120 टेनेंट है वो लोग कहाँ जाएंगे, महानगर पालिका को ये भी तो सोचना चाहिए था। नहीं नहीं, ये क्या, ये जैसा हमारे परसों हमारे मुमरा के हरदी लज्जी सबके चाहे थे, हमारे सैद अली भाई साहब आए थे, इन्होंने एक बात कही थी कि हमारे आमदार को तो कुछ दिमाग है ही नहीं, इससे पहले जो यहाँ का कार्यकारी अभियंता था गोसावी वो कहता था वैसा वो चलता था, तो ये गोसावी ने इधर कुछ ये किया होगा कि इधर ऐसा ये करो, तो वो जैसे भाई साहब ने कहा कि गोसावी ने पूरा गोल मटोल टाल मटोल किया षड्यंत्र, तो ये गोसावी करके गए है और ये और सबको सोचना मांगता है कि यहाँ पर कैसा समाज मंदिर बनाएंगे। और ये समाज मंदिर अगर बनाना हो तो उसके लिए अच्छी खुली जगह एकदम बढ़िया, वहाँ पर जो समझो आज यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे या यहाँ समाज मंदिर में अगर कुछ प्रोग्राम होएगा तो आपसी तनाव होने का कोई भी ये नहीं बोल नहीं सकते। तो इसके लिए ऐसा तो मुमरा में सब समाज के लोग हैं, हिंदू है मुस्लिम है सब धर्म के लोग हैं, लेकिन कभी आपसी तनाव में आए नहीं, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं करे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है उसके लिए है ना आवाड़ साहब के बहुत सारे चाहने वाले, कोई भी अगर आवाड़ साहब किसको बोल देगा तो कोई भी उनको एकाध एकड़ आधा एकड़ जगह दे देगा और वहाँ पर अच्छा सा बना लीजिए या कॉरपोरेशन से हम लोग मांग करेंगे कि एक जगह दे कोई भी दे दो। और उसके ऊपर इससे पहले बहुत सारे अम्बेडकर भवन के काम चालू है लेकिन वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। दादा, भाई साहब ने भी एक सवाल उठाया है सर्वे नंबर को लेकर कि सर्वे नंबर में हेर फेर हुआ है और जहाँ की बजट निकाल कर ये बना रहे हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं भाई साहब कि वो दूसरे जगह का बजट है, इसका सर्वे नंबर अलग है, उसका सर्वे नंबर अलग है। अभी वो सर्वे नंबर अलग है, वो एक है और ये टोटल पूरा है ना, ये 29 सर्वे नंबर है, उसमें अभी इसका पार्ट किया गया है 29 एक ओ, तो ये 29 एक किधर आता है, ये जब ये
यहाँ पर प्रोसेस शुरू हुआ ये यहाँ पर अम्बेडकर भवन बनाने का, तो मैंने वहाँ पर कॉर्पोरेशन को कहा है कि आप TLR करके बताइएगा, TLR करने के बाद ही आपने वर्क ऑर्डर दिया है ठीक है, लेकिन TLR करने के बाद ही यहाँ पर काम शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो रहवासी है, यहाँ के जो 120 टेनेंट है उनके बारे में सोचिए, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, वो कैसा कैसा भाड़ा भर के वहाँ रह रहे, और वो यहाँ पर अपने अपने खर्चे से अगर बिल्डिंग बना रहे तो उनको बनाने दो प्लीज़, यहाँ पर अंबेडकर भवन बनाने के लिए आप आपकी जिद है वो छोड़ दीजिए, आप दूसरे कहीं भी अंबेडकर भवन बना दीजिए। यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी शायद इस बात की जानकारी थी या नहीं थी कि 120 परिवार यहाँ रहते हैं, तो उनको भी इस बारे में यहाँ आकर लोगों से राय मशवरा करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। क्या है मालूम है क्या मैंने क्या कहा, यहाँ का जो विधायक है ना उसको कुछ अक्ल नहीं है, क्योंकि वो जो दिमाग देता है ना वो गोसावी दिमाग देता है। अभी देखे आप इतने अभी गोसावी जाने के समझो 6-8 महीना हो गए, लेकिन अभी मुमरा में कोई भी कहीं भी वाद विवाद हो रहा है क्या, कहीं भी कोई हॉकर्स में वाद हो रहा है या कहीं भी वाद हो रहा है? कहने का मतलब ये थे जो वर्क ऑर्डर मिला और जो यहाँ पर बातचीत हुई वो सब करने से पहले ही उनको यहाँ के टेनेंट से मुलाकात करना चाहिए था। ये जगह की मालकी किसकी है वो देखना चाहिए था। ये जगह कॉर्पोरेशन को दिया है, 98 गुंठा दिया है मैं बोलता हूँ, लेकिन कौन सी जगह दिया है 98 जगह? आप पुलिस स्टेशन की दीवार, पुलिस स्टेशन से लेके बाबाजी पाटिल वाड़ी तक स्कूल तक आप देखेंगे तो 94 एकड़ जगह है, उसमें आप जो 29A1 वो किधर है? उसका TLR होने के बाद ही आप ये करो ना। वैसे तो मैंने कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट किया कि आप TLR कीजिए, उसके बाद में ये काम चालू कीजिए। रीना मैडम आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को, जय भीम। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि और TMC का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ पर बनाने के लिए जगह दी है, तो बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन वो 120 वालों का जब सोचते हैं तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि इतने बिल्डर लोग 5 लाख स्क्वायर फुट का जो स्क्वायर फुट का जो डेवलपमेंट हो रहा है मुमरा में, और जो आप आमदार चिल्ला के बोल रहा है इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं तो बोल रही मित्तल ग्राउंड दे दो ना, बाबा साहेब जी का पूरा देश है, कहाँ भिड़वा रहे हो, कहाँ गरीबों के साथ? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों को हक दिलाया था, गरीबों के लिए खड़े थे, अब गरीबों के लिए, गरीबों को जहाँ जहाँ अन्याय हुआ उनके लिए उन्होंने धर्म तक के उनका चेंज किया था क्योंकि उनको हक मिले, इस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी नहीं चाहा था। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी जिस तरीके से कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस जो घुमाया था उसी तरीके से रिक्वेस्ट करूँगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भी मित्तल ग्राउंड में बहुत सारी जगह अभी भी बाकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट उन्हीं के डेवलपमेंट डेवलप करने जा रहे हैं, तो मित्तल ग्राउंड पूरा दे दीजिए बाबा साहेब के लिए। बाबा साहेब का देश है मुमरा नहीं, पूरा देश उनका है और मुमरा में तो उनके लिए पूरा मुमरा ही है। तो मैं तो TMC को रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा मित्तल ग्राउंड खाली पड़ा है अभी भी, पूरा मित्तल ग्राउंड उनके लिए दीजिए, और प्लीज़ 120 जो टेनेंट हैं यहाँ के उनके लिए भी सोचिए, और इस तरीके से राजनीति घर में बैठ के ट्वीट करके 15 लाख में हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को मत गिनिए, आपको देना है तो 1500 करोड़ दीजिए तभी बात करिए, नहीं तो ये 15 लाख रुपया दे के यहाँ गरीबों के साथ अन्याय और बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेके राजनीति करिए मत। और ध्यान रखो हम लोग सोए नहीं हैं, जगे हैं, और इस बार जवाब देंगे। आप घर में बैठे हो लेकिन हम लोग तो रास्ते पे हैं और हर गरीब रास्ते पे है इस बार।